नमस्कार, बीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजा और मैं हूं मनीष टेमरे। आइए बात करते हैं आज के चुनावी नतीजों पर। बिल्कुल, अभी हम विदर्भ की स्थिति जानेंगे क्योंकि जो है मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है और ईवीएम की मतगणना शुरू है, जिसमें विदर्भ की कुछ स्थिति जो है, कुछ जगहों की स्थिति जो है ये सामने आने लगी है, स्पष्ट होने लगी है, जिसमें नागपुर, ये विदर्भ का जो है नागपुर और देश की निगाह इसकी ओर लगी थी। हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट, ऐसी कई बातें इस सीट को लेकर होती थी। तो यहाँ नितिन गडकरी ये आगे चल रहे हैं। ये नतीजे जो है फिलहाल पहले राउंड में सामने आए हैं। उसी तरह नवनीत राणा इस सीट की ओर भी, अमरावती की सीट की ओर भी निगाहें थी, क्योंकि नवनीत राणा जो है इनकी जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई, जो हमने देखा चुनाव से पहले माहौल, उसके बाद वो सीट की ओर भी लोगों की निगाहें थी। तो वहां से नवनीत राणा अभी पीछे चल रहे हैं। ये पहला राउंड है, पहले राउंड की जो है मतगणना शुरू है और उसमें जो नतीजे आ रहे हो ये हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी और भी जो है मतगणना होनी है। जिस प्रकार से स्थितिजा देखा जाए तो विदर्भ में जो है इंडिया गठबंधन, महाविकास आघाड़ी आगे दिखाई दे रही है पहले प्राथमिक रुझानों में। अमरावती की बात करें तो नवनीत राणा भी पिछाड़ी पर है। साथ ही साथ वर्धा की बात करें तो पोस्टल बैलेट में अमर काले जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। रामटेक लोकसभा की बात करें तो रामटेक में से राजू पारवे, सॉरी क्षमा कीजिए, श्याम कुमार बर्वे जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का चित्र यहां स्पष्ट हो रहा है। गढ़चिरौली से अशोक नेते आगे हैं महायुति के। भंडारा गोंदिया से नरेंद्र मेंडे आगे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की जो है सम्मिश्र स्थिति यहाँ निर्माण हो रही है। और चंद्रपुर की अगर बात करें, जहां से वन मंत्री, जो राज्य के वन मंत्री थे, वो प्रत्याशी के रूप में थे, सांसद के प्रत्याशी के रूप में, वो पीछे चल रहे हैं और प्रतिभा धानोरकर ये आगे चल रही है। तो ऐसे विदर्भ में जो है ये जो स्थिति बनकर आ रही है सामने, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो आया था उसी के अनुमान, जो अनुमान लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल जो है यहाँ पर खरा उतरते हुए नजर आ रहा है पहले जो राउंड है उसमें। अभी स्थिति और भी स्पष्ट होनी है क्योंकि और भी मतगणना जो है होनी है। ये पहले राउंड की जो है नतीजे सामने आए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं जो स्थिति बनी है, गडकरी जो है नागपुर से वो तो लगातार आगे बने हुए हैं और आगे ही बने हैं। अमरावती से जो है नवनीत राणा पहले आगे चल रही थी, अब वो पीछे चल रहे हैं। ऐसी कई स्थितियां जो है पल पल को, चंद मिनटों में, चंद सेकंड में जो है, हाँ बिल्कुल चेंज हो रही है इसमें। और आगे और क्या होता है ये तो पहले राउंड की हम स्थिति आपको बता रहे हैं। ये चित्र है जो ये पहले राउंड का है, और भी आगे अलग चित्र हो सकता है या ये स्थिति बरकरार भी रह सकती है। क्यों मनीष? क्षितिजा आप क्या बताना चाहेंगे? अमरावती जो है, क्षमा कीजिए, चंद्रपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हाई प्रोफाइल सीट वहां से खड़ी है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ जो है प्रतिभा धानोरकर खड़ी थी। तो क्या लगता है आपको, सहानुभूति का जो फैक्टर था कांग्रेस को कारगर साबित हुआ, क्या बताना चाहेंगे, क्या इसको किस प्रकार से विश्लेषित करना? बिल्कुल, चंद्रपुर के बारे में तो मैं भली भांति से जानती हूँ क्योंकि मैंने वहां जाकर वो स्थिति को देखा है, वहां जाकर न्यूज कवरेज किया है, लोगों की भी जो है जनता का चौपाल किया था, उसमें भी जनमत भी सामने हमारे आया था। वह कहीं ना कहीं हमें प्रतिभा धानोरकर की ओर जो है लोगों का रुझान जो है दिखाई दे रहा था। बिल्कुल, और जो सिंपैथी वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं वहां जो है आगे आए थे। मुनगंटीवार का जो ये है रुझान था या लोगों का रुझाव था, वो बल्लार शाह, जहां से वो विधायक चुनकर आए हैं, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां उन्हें लोगों ने जो है पसंद किया था। लेकिन चंद्रपुर की अगर बात करें, चंद्रपुर शहर की अगर बात करें, तो वहां प्रतिभा धानोरकर को लोग सराह रहे थे, उनके कामों की वहां पे जो है सराहना हो रही थी। जो उनके पति थे उनके, बिल्कुल बाड़ू धानोरकर, उनके कामों की जो है लिस्ट लोग बता रहे थे, किस तरह से वो काम करते थे या लोगों तक वो किस तरह से पहुंचे हुए हैं, लोगों तक उनका कितना जो है कनेक्टिविटी है, ये सब वो लोग, वहां के लोग बता रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रतिभा धानोरकर की जीत यहाँ से हो सकती है। और फिलहाल प्रथम जो ये राउंड आया है, पहला जो ये आया है राउंड, उसमें प्रतिभा धानोरकर आगे चल रही है और मुनगंटीवार जो है पीछे है। लेकिन अभी
जो रुझान है वो आने बाकी है, नतीजे आने बाकी है, आगे क्या स्थिति हो सकती है ये हम नहीं कह सकते क्योंकि पलक झपकते ही आंकड़े जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ वो चंद सेकंड में कुछ अलग उसका चित्र हो सकता है। हाँ। जिस प्रकार से चंद्रपुर की आपने बात की, एक सीमित प्रभाव रहा है वनमंत्री, क्योंकि एक विधानसभा से जो है विधायक उसके बाद जो मंत्री रहे हैं बल्लाल शाह में उनका सीमित प्रभाव था बिल्कुल, लेकिन इस सीमित प्रभाव के बीच सहानुभूति का फैक्टर यहाँ काम कर जाएगा। लेकिन इसी बीच क्षितिजा देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आपत्ति जताई, जिस प्रकार से आपने ग्राउंड रिपोर्ट की है, ग्राउंड रिपोर्ट और चौपाल के माध्यम से आपने भी देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना था कि प्रतिभा धानोरकर हमसे बात नहीं कर रही है, या प्रतिभा धानोरकर की हमारे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है ये फैक्टर यहाँ कहीं ना कहीं कमजोर बना सकता है? ये तो प्राथमिक रुझान है, किसी भी रूप से यह चित्र स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्रपुर की जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल है। सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री जो है यहाँ से प्रतिभा धानोरकर के खिलाफ खड़े है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो फैक्टर है काम करेगा नहीं करेगा, क्या विश्लेषित किस प्रकार से करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है हमने स्थिति देखी थी कि मुस्लिम वोटर्स जो थे उनकी कुछ समस्या थी, लेकिन वहां तक जो है प्रतिभा धानोरकर पहुंच नहीं सके थे, या कह सकते हैं कि उनके पास समय नहीं होगा या बाद में वो पहुंचे भी, लेकिन हो सकता है क्योंकि प्रचार शुरू ही था। हाँ। वो प्रचार के दरमियान उनसे उनकी बातचीत हुई होगी तो उन्होंने उनका जो है समस्याओं का निराकरण किया होगा, और वो जो मुस्लिम वोट कह सकते हैं या मुस्लिम फैक्टर जो है वोटों का फैक्टर ऐसा, हाँ, वहां उतना ये नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस के ओर ही लोगों का जो है झुकाव दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाई दे दी होगी, वो भी बाद में उन्होंने मतलब उनकी मीटिंग तय हुई थी, उनकी मीटिंग होने वाली थी उन लोगों के साथ, उसके बाद उसका निराकरण किया जाना था। तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि प्रतिभा धानोरकर इन्होंने उनसे मुलाकात कर वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं दूर की होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो माहौल था ऐसे में किसी को नाराज रखना ज्यादा देर ठीक नहीं होता है। बिल्कुल, विदर्भ की ओर अब आ जाए तो रामटेक लोकसभा की बात करें, रामटेक लोकसभा में जो है श्याम कुमार बर्वे आगे दिखाई दे रहे हैं निरंतर, ये तो अभी की अपडेट है, आगे कुछ चेंज हो सकता है, आगे परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ सहानुभूति का फैक्टर तो मिला ही। साथ ही साथ राजू पारवे जो कांग्रेस के विधायक थे, उमरेड से कांग्रेस के विधायक थे, वो शिंदेगुट शिवसेना में गए, उसके बाद उन्हें जो है सांसद की टिकट दी गई, और साथ ही साथ देखा गया है कि यहाँ के जो सांसद थे कृपाल तुमाने की सीट काटकर उन्हें टिकट दी गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ कारगर साबित हो रहा है कांग्रेस प्रथम रुझान में जो आगे है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से स्थिति देखी गई है, रामटेक लोकसभा भी कांग्रेस का गढ़ रह चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 12 बार जो है यहाँ से कांग्रेस के सांसद चुन के आए। 1957 में जब कांग्रेस रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो है यहाँ से ओपनिंग हुई थी, बोल सकते हैं स्थापना हुई थी, उसके बाद से जो है कांग्रेस के ही सांसद ने यहाँ से ओपनिंग की है, कांग्रेस ने यहाँ का अकाउंट खोला है, उससे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इस बार क्या इतिहास दोहरा रही है कांग्रेस, किस प्रकार से जो है संविधान का फैक्टर यहाँ काम कर जाएगा। बिल्कुल, ऐसा कह भी सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पहला राउंड है उसमें श्याम कुमार बर्वे जो है 7,000 मतों से ये आगे चल रहे हैं, ये पहला रुझान है वैसे देखा जाए तो, लेकिन श्याम कुमार बर्वे जो है ये आगे चल रहे हैं, आगे नतीजे क्या होते हैं पता नहीं, हो सकता है आंकड़ों में अगर और ज्यादा चेंजेस हो या आंकड़े चेंज हो परिवर्तित हो ये भी हो सकता है, क्योंकि और भी वोटों की गिनती होनी है, लेकिन फिलहाल पहले राउंड में जो है रामटेक से श्याम कुमार बर्वे ये आगे चल रहे हैं, वो भी 7,000 मतों से, तो आगे की स्थिति क्या बनती है ये हम आपको पल पल की खबर तो दे ही रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, अमरावती से बलवंत वानखड़े आगे चल रहे हैं, और वर्धा आरवी से अमर काये ये जो है आगे चल रहे हैं। यहाँ से भी रामदास तड़स एक हाई प्रोफाइल सीट तो थी, क्योंकि 2 बार वो जीत के आए यहाँ से। साथ ही साथ नागपुर लोकसभा में तो काफी कांटे की टक्कर है, अशोक नेते गढ़चिरौली से आगे चल रहे हैं। इस प्रकार की विदर्भ की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो क्या लगता है विदर्भ भी इस बार इतिहास दोहराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा है विदर्भ पहली बार देखा जा गया है। लेकिन नागपुर की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए काफी आवश्यक साबित होती है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं नितिन जयराम गडकरी,
गडकरी जिन्हें लोग बोलते हैं, और काफी बड़ी क्रांति उन्होंने की है, काफी अच्छा काम भी उन्होंने किया है ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं। ये स्थिति जो है विदर्भ की है। बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विकास ठाकरे जो है ये विपक्ष में थे और नितिन गडकरी के प्रत्याशी थे विरोध में, तो ये 11,000 मतों से जो है पीछे चल रहे हैं फिलहाल हम देख रहे हैं। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की फाइट हुई थी, पहले नहीं लगा था इतनी टफ फाइट होगी, नितिन गडकरी को इतना टफ कैंडिडेट मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, उनके कामों को जो है लोग सराहते हैं, पूरे देश में उन्हें कहीं भी विरोध नहीं है, विपक्ष भी उनके साथ रहता है, विपक्ष उनके मतलब वो लाडले है। ये सब बातें होने के बावजूद आखिर चुनावी जंग होती है, और जो सेफ सीट मानी जा रही थी नागपुर विदर्भ से, हाँ। ये सेफ सीट आखिरकार नहीं रही जब कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किए। वर्धा से बड़ी खबर आगे आ रही है, 431 वोटों से जो है अमर काले आगे दिखाई दे रहे हैं, जो कि शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के जो है प्रत्याशी थे रामदास तड़स के खिलाफ, जिस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चित्र स्पष्ट हो रहा है, विदर्भ की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर दिखाई देती जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बोल सकते हैं। देश में तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन विदर्भ से यदि यहाँ की सीटें कांग्रेस के पाले में जाती है तो एक निराशाजनक बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि नागपुर में जो है एक पॉलिटिकल हब इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ संघ का भी कार्यालय है, और कहा यह भी जाता है कि नागपुर से देश की राजनीति चलती है। और आखिरकार नागपुर में आज के दिन क्या होगा, नागपुर से कौन जीतेगा, ये पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए BCN के साथ, हर पल की अपडेट, हर पल की खबर मतगणना के संदर्भ में के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। धन्यवाद धन्यवाद।